Hey guys, how is it going for all of you? Doing good? आज इस वीडियो को बना के बहुत मजा आ रहा है because this video is based on two frequently talked concepts, resistance and resistivity. But आज हम ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर किस तरीके से रेजिस्टिविटी एंड कॉन्सिक्वेंटली रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है. ठीक है, आई एग्री. मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि रेजिस्टिविटी यू नो कंडक्टर किस मटीरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है. लेकिन और एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है और उसी को डिस्कस करेंगे हम. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर के अंदर कैसा कैसा चेंजेस आएगा. दो इंपॉर्टेंट चेंजेस आएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. ध्यान से सुनना, अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं इसका मतलब है इस पर्टिकुलर कंडक्टर का थर्मल एनर्जी बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी बढ़ चुका होगा. जितने सारे मेटल आयंस है, जो एटम्स है, स्टार्ट वाइब्रेटिंग वायलेंटली, सारे इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा पागल हो जाएंगे और फास्ट मूव करेंगे. दे विल बी मोर एजिटेटेड, और ज़्यादा कोलाइड करेंगे. द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कनेक्शंस विल डिक्रीज एज बिकॉज नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फास्टर. इज दैट क्लियर? एक तो टाउ डिक्रीज होगा. इसके साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है. ध्यान से सुनो, अगर हमने किसी कंडक्टर को एनर्जी दिया सो कंडक्टर के अंदर दो कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक तो हो गया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्ट करता है, करंट फ्लो करवाता है. दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एटम्स के अंदर है, जो बॉन्डिंग का काम करते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट? बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का भी एम्बिशंस होता है. अगर हमने कंडक्टर को सफिशियंट एनर्जी दे दिया तो बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्डिंग का काम छोड़ के फ्री होगी, बॉन्ड्स को तोड़ के बाहर निकल के आ जाएंगे. एंड एज अ होल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज. ट्राई टू रिकैप व्हाट एवर आई से जस्ट नाउ. टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल वेलोसिटी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फास्टर, सो द एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिशंस विल डिक्रीज. एक तो ये नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं तुमको लिख के देता हूँ. मुझे पता है कि जो रो है, रो का जो फॉर्मूला था, वो रो का फॉर्मूला क्या था, एम डिवाइडेड बाई एन e square tau. ये फॉर्मूला याद है पक्का? एंड इज m डिवाइडेड बाय n e square tau. नाउ ये जो n होता था दैट इज बेसिकली द चार्ज डेंसिटी. इज दैट क्लियर? ये होता था चार्ज डेंसिटी. और tau जो है दैट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिशंस. मैंने ये कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिशंस विल डिक्रीज. दैट मीन्स अगर tau डिक्रीज हो जाएगा resistivity will what? Increase. Try to understand. अगर tau decrease हो जाएगा, what will happen to resistivity? Resistivity will increase. As a whole, the resistance of the conductor will also increase. But जो दूसरा change मैंने कहा कि as because temperature बढ़ाया, बहुत सारे valence electrons bonds तोड़ के free हो जाएंगे और conduction में participate करेंगे, तो as a whole, you know, उस particular conductor का conductivity बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. खुद देखो इस इक्वेशन में, अगर n बढ़ गया, दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, n बढ़ गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ n इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज. सो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि तुम्हारे किसी मटेरियल को रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो तीन मटेरियल्स, एक तो हो गया मेटेलिक कंडक्टर्स, दूसरा हो गया इंसुलेटर्स एंड तीसरा हो गया सेमी कंडक्टर्स, इन तीनों में कौन सा इफेक्ट, इफेक्ट वन या इफेक्ट टू, ज़्यादा डोमिनेटिंग. जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा वही फाइनली डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या रेजिस्टेंस घट रहा है. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम चालू करते हैं द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मेटेलिक कंडक्टर्स, की मेटेलिक कंडक्टर्स के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो होगा क्या. इट्स वेरी सिंपल. देखो, वी नो देर आर टू फैक्टर्स, फैक्टर वन एंड फैक्टर टू. एक तो हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, एक बात ये समझो कि द मेटल आयंस, द एटम्स विल बी स्टार्टिंग, विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर वायलेंटली, द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर एजिटेटेड, दे विल बी मूविंग फास्टर, सो ऑब्वियसली द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिशंस विल डिक्रीज एंड रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड You can also expect that the number of charge carriers to increase. But देखो, metals के पास already बहुत सारे free charge carriers हैं. तो temperature बढ़ाने से
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो बढ़ता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ने का इफेक्ट यू नो एवरेज यू नो द टाइम बिटवीन टू कॉलिशंस वो जो डिक्रीज हो जाता है उस इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं, ज़्यादा डोमिनेट करता है द मॉलिकुलर वाइब्रेशंस, द फास्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जिसके कारण टाउ डिक्रीज हो जाता है. समझ में आया? इज दैट क्लियर? एज बिकॉज टाउ डिक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गया और यही फैक्टर फाइनली डोमिनेट कर जाता है. समझ में आया? तो मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाओ, चार्ज कैरियर उतना नहीं बढ़ता, लेकिन द एवरेज कोलिशन टाइम वो डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू विच रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एंड एज ए होल द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस. इज दैट क्लियर? समझ में आया? लेकिन इंसुलेटर का कहानी थोड़ा सा अलग है. इंसुलेटर के कहानी में क्या होता है, देखो इंसुलेटर के पास पहले से कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है. अगर मैंने सफिशिएंट अमाउंट से टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड्स तोड़ के बाहर आ जाते हैं. एज ए होल एज बिकॉज पहले उसके पास कुछ नहीं था, अभी थोड़ा बहुत चार्ज कैरियर्स आ गया, इससे उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है. मॉलिकुलर वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, लेकिन एज बिकॉज कुछ चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, पहले तो वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा था. बहुत टेम्परेचर तक अगर मैं बढ़ा के लेके जाऊँ तो इंसुलेटर भी थोड़ा बहुत कंडक्ट करना चालू करता है. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते इट्स बिकॉज थोड़ा बहुत चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, वो कंडक्ट करना चालू कर देता है, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, विच मीन्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? और लास्ट में आता सबसे इंटरेस्टिंग सा मटेरियल हमारा सेमी कंडक्टर्स. इसके ऊपर अलग सा पूरा चैप्टर ही है क्लास 12 में, मैं पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से. फिलहाल इस वक्त जितना तुमको समझ में आता उतना बताता हूँ. सेमी कंडक्टर्स मतलब पार्शियल कंडक्टर्स, ठीक है? सेमी कंडक्टर्स जो है वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं बेसिकली, एंड इट्स गॉट टू फेसेस. अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दो तो वो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है. सीधा सीधा एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी बहुत कम होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना बॉन्ड्स तोड़ के बाहर नहीं आ पाते. लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ा दिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है कि वो लोग बहुत आराम से अपना बॉन्ड्स तोड़ के फ्री हो जाते हैं और कंडक्शन के काम में लग जाते हैं. मतलब सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, देर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. तो मॉलिकुलर वाइब्रेशंस का इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है, डोमिनेट करता है द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस, ये इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है. तो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्शन इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस. मेटल्स का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस घट जाता है, सेमी कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस घट जाता है. फील आया मैंने क्या कहा? मैं इसके बाद इसका मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है स्पेशली मेटेलिक कंडक्टर्स का वो डिस्कस करूँगा, ठीक है? फिलहाल अभी इसको कॉपी करो, अभी ये पॉज करो, फिर इसको कॉपी करो, ठीक है? अभी यहाँ पर मैंने ए बी सी डी सारे पॉइंट्स लिख कर रखा है. डी वाले पॉइंट में देखो मैंने क्या लिख कर रखा है. इसके पहले ए में मैंने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया, बी में मैंने सेमी कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, सी में मैंने बेसिकली यहाँ पर इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया, डी में आई हैव टॉक्ड अबाउट अलॉयज. अलॉयज के केस में क्या होता है, दे हैव गॉट अ वेरी वीक डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, जो उसका रेजिस्टिविटी है. तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके रेजिस्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं आता, तो उनका रेजिस्टेंस जो है वो नियरली सेम रहता है. ये मैंने लिख के दिया है, इसको पॉज करो, पॉज करके ये पोर्शन लिख के रखो अच्छे से, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है? अभी हम ये देखते हैं कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का मैथमेटिकल डिपेंडेंसी कैसा है, वो फंक्शन कैसा है, ठीक है? मैं लिख के देता हूँ, दैट इज रो टी दैट इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. ये होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का फंक्शन. ये जो टी नॉट है इसको हम रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं. मैंने यहाँ पर लिख के दिया रेफरेंस टेम्परेचर. टी नॉट का वैल्यू जनरली 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ठीक है?
ठीक है, और टी नॉट टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नॉट, ठीक है। टी क्या है, टी वो टेम्परेचर है जिसपे हमको रेजिस्टिविटी निकालना है, एंड रो सफिक्स टी क्या है, उस पर्टिकुलर टी टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी रोट। इज दैट क्लियर? अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी अगर हम एक, अच्छा ये फंक्शन जो है दिस इज ओनली वैलिड फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, और एक मेटालिक कंडक्टर के रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ को अगर देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है ये ग्राफ पक्का, और ये हो गया फंक्शन, ये हो गया ग्राफ, एंड डेफिनेटली यू शुड हैव अ कंफ्यूजन नाउ। एंड द कंफ्यूजन इज, सर आप जो ये ग्राफ दिखा रहे हो ये तो कर्व है, और आपने जो इक्वेशन लिखा वो तो एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, रो इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कैसे हो गया? अच्छा देखो इसमें हम क्या करते हैं, मैं अप्रोक्सीमेशन देते टी नॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर, ओके। अभी हमको जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी चाहिए वो अगर टी नॉट के आस पास है तो हम कर्व, कर्वीलीनियर नेचर जो है ग्राफ का उसको इग्नोर करके हम कर्व को स्ट्रेट लाइन मान के इस फंक्शन को अप्लाई करके अपना काम कर सकते हैं। वी कैन अप्रोक्सीमेट द कर्व टू बी ए स्ट्रेट लाइन एंड सॉल्व आवर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? समझ में आया पक्का? अल्फा इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मेटल्स के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एस टी माइनस टी नॉट एज द टेम्परेचर, अगर अल्फा नेगेटिव हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? घटेगा। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट इज द रीजन सेमी कंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। मैं लिख के देता हूँ, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है फॉर इंसुलेटर्स, ठीक है, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, एंड इट इज ऑब्वियस, राइट? आई होप सो तुमको इसका लॉजिक समझ में आया कि कैसे है। बिकॉज देखो, अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, टेम्परेचर इतना बढ़ाओगे, रो का वैल्यू क्या होगा? और डिक्रीज करेगा। लेकिन मेटल्स के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, इसको पॉज करो और इसको अच्छे से लिख के रखो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाके और दो ग्राफ्स देखेंगे। दो ग्राफ्स किसका? एक का हम देखेंगे दैट इज ऑफ सेमीकंडक्टर, और दूसरा ग्राफ हम देखेंगे अलॉयज। सेमीकंडक्टर का ग्राफ दिख रहा है, वी ऑल नो अबाउट दिस, कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी हैज़ टू डिक्रीज, ग्राफ ऐसा दिखता है। एंड जो अलॉयज होता है, जैसे कि निक्रोम मैंने बोला है, राइट, अलॉयज के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी उतना खास बदलता नहीं है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी खास चेंज नहीं होता। सो देखो वेरिएशन बहुत कम है, 1.10 टू 1.20, द वेरिएशन इज वेरी लेस अक्रॉस अ वेरी लार्ज चेंज ऑफ टेम्परेचर, 400 केल्विन से 600, 600 से 800, लेकिन द चेंज इन रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। समझ में आया पक्का? तो ये दोनों चीज़ अच्छे से लिख कर रखना, पॉज करो, इस ग्राफ को बना कर रखो, पॉज करके इस ग्राफ को बना कर रखो। इसके बाद हम नेक्स्ट, हमने जस्ट नाउ जो कंसेप्ट सीखा है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होगा, राइट? सो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स को हिट करता है। बट बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, एक छोटा सा चीज बताऊंगा तुमको। हमने ये डिस्कस किया कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, वो जो फंक्शन है वो फंक्शन है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, टी नॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर, ब्रैकेट 1 + α T - T0। इज दैट क्लियर? ये है, और मुझे ये भी पता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दैट इज आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई, यही है ना फॉर्मूला। अच्छा नाउ, अभी अगर टेम्परेचर चेंज होता है, लेट अस से टेम्परेचर बढ़ता है, तो कंडक्टर का लेंथ भी चेंज होगा, कंडक्टर का एरिया भी चेंज होगा, राइट? और ये जो चेंजेस होंगे दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इन डिस्कशंस में कंडक्टर के लेंथ एंड एरिया चेंज को इग्नोर करेंगे। जो एल बाई ए का जो चेंज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो एल बाई ए का जो चेंज हम डिस्कस करेंगे, जो चेंज होगा उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। बेसिकली ऐसे सिचुएशन में मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है that is directly proportional toward resistivity, because L by A हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा according to the assumption that we've taken, right? तो अगर ऐसा है, तो अगर resistivity का अगर ऐसा relation है, तो resistance का भी हम ऐसा relation लिख सकते हैं कि resistance at temperature T is equal to resistance at temperature T naught bracket 1 + α, क्या होगा? T - T0। Is that clear?
ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। व्हेन ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 75.3 ओम दिया हुआ है। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, द करंट सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने उस टोस्टर को एक 230 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो करंट फाइनली जाके एक स्टेडी वैल्यू अटेन करता है विच इज इक्वल टू 2.68 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टेडी टेम्परेचर कितना है, वो निकालने दिया है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो दिया हुआ है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 75.3 ओम, और ये कहा गया है कि 230 वोल्ट के साथ अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो फाइनली करंट जो है आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स अटेन्स ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पीयर। ऐसा क्यों कहा गया है, स्टेडी वैल्यू क्यों अटेन करता है? देखो इसके पीछे बहुत प्यारा सा कहानी है। देखो जब किसी रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है, इनिशियली रजिस्टर गर्म नहीं होता, वो गर्म होता है टाइम के साथ। एज करंट फ्लोस रजिस्टर डिसिपेट्स हीट, वो हीट रिलीज करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और हमने ये सीखा है कि अगर रजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, व्हाट विल हैपन टू द करंट इन द सर्किट, इनिशियली करंट ज़्यादा होगा और धीरे धीरे जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ऐसे एक वक्त आएगा कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा, और उस वक्त जो करंट सर्किट में एस्टैब्लिश होता है उसको हम स्टेडी करंट बुलाते हैं। तो यहां पर हमने वो लिख के रखा 2.68 एम्पीयर। सो वी आर प्रेडिक्टिंग एट 230 वोल्ट सप्लाई 2.68 एम्पीयर जब करंट फ्लो करता है उस वक्त का रेजिस्टेंस 75.3 ओम से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। सो लेट्स सी, लेट अस सी कि रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, that is 75.3 ohm, is that clear? तो एक चीज हम ये predict कर रहे हैं कि 230 volt 2.68 ampere पर resistance का value क्या होना पड़ेगा, 75.3 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो निकाल के देखते हैं। Let us say resistor का जो temperature वो finally T तक पहुँच जाता है बढ़ के, और resistance होता है V by I, and V के जगह हम लोग क्या put कर सकते हैं, that is 230 volt, and I की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, that is 2.68 एम्पीयर, and the answer is 85.8 ohms. Is that clear? The answer is 85.8 ohms. And definitely ये जो resistance है 75.3 ohms से क्या है, ज़्यादा है। Is that clear? अभी पूछा कि ये T temperature क्या है, तो सीधा सीधा हम ये formula use करेंगे, देखते हैं। That is say reference temperature, sorry resistance at temperature T is equal to resistance at 27 degrees Celsius 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, दैट इज 85.8 ओम्स, माइनस आर इंटू 27, इसके साथ मल्टीप्लाई किया उस तरफ लेके चला गया, तो माइनस रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट इज 75.3 ओम, ठीक है ना। इन दिस केस हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर into 27, ठीक है, that is alpha into t minus t naught. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। सो t minus t naught का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। t minus t naught का वैल्यू होगा, that is 85.8, ठीक है, minus 75.3 divided by resistance at 27 degree celsius हम क्या पुट कर सकते हैं, resistance at 27 degree celsius हम पुट कर सकते हैं 75.3 ohm. अल्फा को भी हम नीचे लिखे जाएंगे, अल्फा का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस, कम ऑन, दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है पक्का? इसका फाइनल वैल्यू आएगा तुम्हारा 820 डिग्री सेल्सियस। तो टी का वैल्यू कितना होगा, टी इन दिस केस इज इक्वल टू 820 डिग्री सेल्सियस प्लस टी नॉट, एंड टी नॉट का वैल्यू इन दिस केस कितना, कम ऑन, 27 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस, एंड द आंसर इन दिस केस इज 847 डिग्री सेल्सियस, इज दैट क्लियर? सो दिस इज द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर, इज दैट क्लियर पक्का? इसको अच्छे से लिख के रखो। नेक्स्ट
इस क्वेश्चन को देखते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम. आइस पॉइंट का मतलब क्या है? आइस पॉइंट का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम. सो लेट्स राइट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 5 ओम. एंड इट्स स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम. स्टीम पॉइंट सबको पता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रेजिस्टेंस कितना रहता है? सो दैट इज 5.23 ओम. इज दैट क्लियर? Okay, when the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. Very straightforward problem. पूछा कि जब resistance 5.795 ohm होगा, उस वक्त temperature कितना है bath का, वो बताएं. Okay, fine. तो ये initial values क्यों दिया हुआ है? R naught, R 100 का value क्यों दिया हुआ है? देखो, अगर तुमको ये निकालना है कि 5.795 ओम पे टेम्परेचर क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे. रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, जिसका वैल्यू 5.795 है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? रेफरेंस टेम्परेचर. लेट अस से 0 डिग्री सेल्सियस को हमने अपना रेफरेंस टेम्परेचर मान लिया. सो दैट इज 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट, दैट इज 0. और आर टी का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 5.795 ओम. और हम यहाँ जाके फंस जाएंगे बिकॉज हमको अल्फा का वैल्यू नहीं पता. तो इसीलिए ये दो डाटा दिया हुआ है ताकि हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल पाए और उसको हम नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन निकालने दिया है, जो टेम्परेचर निकालने दिया है, उसमें यूज कर पाए. ठीक है, तो इस पे ही लगा देते हैं ये क्वेश्चन. दैट इज रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको हमने रेफरेंस टेम्परेचर माना, दैट इज 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट इन दिस केस, दैट इज 100 माइनस 0. वेरी सिंपल, राइट? तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो. इन दिस केस मैं लिख सकता हूँ, दैट इज आर 100 माइनस आर नॉट, मतलब आर नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं उस तरफ लेके चला गया, तो माइनस आर नॉट, और अल्फा की जगह हम लोग नीचे क्या आ जाएगा, और एक आर नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक 100 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू 100, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा. तो आर 100 पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 5.23 ओम्स, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, दैट इज 5 ओम्स, डिवाइडेड बाई आर नॉट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, दैट इज 5 ओम, इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज 100. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो देखते हैं. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं. ठीक है ना, आगे अगर कैलकुलेट करना पड़े तो कर लेंगे कैलकुलेशन अभी. ओके फाइन, अभी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इसको लिखते हैं. टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 5.795. इज दैट क्लियर? ओके फाइन, एंड इन दिस केस मैं काम कर सकता हूँ, आर नॉट मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जा सकता हूँ, माइनस आर नॉट आएगा, दैट इज इसके जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या होगा, आर नॉट. ठीक है, आर नॉट इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, बहुत बड़ा सा वैल्यू है, 5.23 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100. ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमने पुट कर दिया, और यहाँ पर टी बचा हुआ है, जो टी हमको निकालना है. देखो आर नॉट का वैल्यू 5 ओम है, ये 5 ओम बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इट्स वेरी सिंपल. यहाँ टी इन दिस केस, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर भाई साहब बताओ, दैट इज 0.795, और 100 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज बेसिकली 100, नीचे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, दैट इज 0.23. ठीक किया ना कैलकुलेशन, 100, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द टेम्परेचर दैट वी आर लुकिंग फॉर. लेट्स सी इसका वैल्यू, आता है 345.650. सो दिस इज द आंसर इन दिस केस. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट जो जो फॉर्मूला हमने सीखा है सारा हमने यूज कर दिया. ठीक है, पॉज करो, उसको लिखो. ये वाला तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़ते हैं. टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा वन एंड अल्फा टू. मतलब आर वन आर टू का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या, अल्फा वन एंड अल्फा टू. दे आर जॉइन इन सीरीज, याद रखना, दे आर जॉइन इन सीरीज. द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा को हम क्या बनाते हैं, अल्फा इफेक्टिव निकालने दिया. ठीक है, सिंपल है. देखो टू वायर्स रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू, ये उनका इनिशियल रेजिस्टेंस था, एंड अगर टेम्परेचर को हम चेंज कर देते, बढ़ा देते, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए,
तो आर वन का रेजिस्टेंस चेंज होकर क्या बन जाएगा आर वन डैश, आर टू का रेजिस्टेंस चेंज होकर क्या बन जाएगा आर टू डैश। एंड लेट अस से जो रेफरेंस टेम्परेचर है टी नॉट उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी अगर मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर, राइट ऑनेस्टली अगर सीरीज में कनेक्ट करूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने के पहले आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट आर वन प्लस आर टू, इज दैट क्लियर। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आर वन आर टू का वैल्यू खुद बदल जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो लेट अस से हमने इस पूरे जो ग्रुप है उसका टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया, कहाँ तक, लेट अस से टी डिग्री सेल्सियस तक इसको हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू भी बदल जाएगा, आर इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा, आर वन का वैल्यू बदल जाएगा आर वन डैश प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आर टू डैश, चलेगा ओके। अभी आर वन डैश प्लस आर टू डैश को हम क्या लिख सकते हैं आर वन, याद है ना फॉर्मूला, आर वन इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस मान के करते हैं, दैट इज वन प्लस इसका अल्फा वन दिया है इन टू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, टी नॉट तो जीरो माना है तो ये हम लिख सकते हैं, और आर टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं आर टू डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर टू ब्रैकेट वन प्लस अल्फा टी माइनस जीरो, अच्छा अल्फा टू होगा ये इन टू टी, ऐसे होगा। अगर ऐसा है ध्यान से देखना, यहाँ पर हम आर वन प्लस आर टू को अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिख दिया आर वन प्लस आर टू को, और यहाँ पर क्या बचेगा ध्यान से देखना, अगर मैं टी को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आर वन इंटू अल्फा वन प्लस आर टू इंटू अल्फा टू बचेगा। डू यू एग्री विद दिस, डू यू एग्री विद दिस, ठीक है ना। अभी आर इक्विवेलेंट डैश दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, आर इक्विवेलेंट डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इनिशियल वाला, याद है ना इनिशियल मतलब रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, वन प्लस अल्फा इफेक्टिव, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव अल्फा इनटू क्या था रेफरेंस, नॉट रेफरेंस टेम्परेचर, अभी का टेम्परेचर टी माइनस रेफरेंस हमने जीरो मान लिया, तो ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ। नाउ दिस इज फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू इनिशियल वाला आर इक्विवेलेंट ब्रैकेट वन प्लस अल्फा दैट इज द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट टी माइनस जीरो, ठीक है ना, जीरो इज द रेफरेंस टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू दिस। एक काम करते हैं, मुझे ना अल्फा इफेक्टिव चाहिए ना, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको भी मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। मैं बताता हूँ कैसे, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आर वन प्लस आर टू को कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से आर वन प्लस आर टू को कॉमन ले लूँ तो क्या मिलता है वो देखते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, लेट अस से आर वन प्लस आर टू को कॉमन ले लिया, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बच गया वन प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा भाई साहब, यहाँ पर आर वन प्लस आर टू है नहीं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो यहाँ पर हमने टी लिख दिया, और यहाँ पर क्या दैट इज आर वन इंटू अल्फा वन प्लस आर टू इंटू अल्फा टू, और नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब आर वन प्लस आर टू, बोलो ठीक है ये नहीं है। अभी अगर मैं कंपेयर करूँ आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आर वन प्लस आर टू, तो ये वाला आर इक्विवेलेंट और आर वन प्लस आर टू एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। अभी अगर मैं बाकी के टर्म को कंपेयर करूँ, ये भी वन, ये भी वन, यहाँ पर एक टी, यहाँ पर एक टी, सो अल्फा इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा इफेक्टिव, सो इन दिस केस अल्फा इफेक्टिव कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो इट इज आर वन इंटू अल्फा वन प्लस आर टू इंटू अल्फा टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, सो दिस इज अल्फा इफेक्टिव, देखते कौन सा आएगा, दैट इज दिस ऑप्शन सी, अल्फा वन इंटू आर वन प्लस अल्फा टू इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। बहुत बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, पक्का समझ में आया, ओके आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन चूज करके रखा है, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि देर आर टू रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू एंड आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द मटेरियल ऑफ आर वन इज अल्फा एंड दैट ऑफ मटेरियल आर टू इज माइनस बीटा, माइनस है ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर वन एंड आर टू विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर इफ आर वन एंड आर टू इक्वल्स टू, मतलब बोला है कि इन दोनों को अगर मैं सीरीज में कंबाइन करता हूँ तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा,
और पूछा है कि R1 by R2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा ताकि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसका वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो. इज दैट क्लियर? मैं समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, देखते हैं, ठीक है ना. अभी देखो क्या है, देयर आर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, राइट? ओके फाइन, अल्फा माइनस बीटा दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. लेट अस से दैट इज R इक्विवेलेंट डैश देता हूँ, बिकॉज टेम्परेचर बदल गया तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा. सो इन दिस केस दैट इज R1 डैश प्लस R2 डैश. इज दैट क्लियर? ओके, R1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दैट इज R1 ब्रैकेट 1 प्लस, इसका तो अल्फा है, ठीक है ना, एंड टी माइनस टी नॉट, तो इसको मैं सिंपली टी लिख देता हूँ, टी माइनस जीरो होगा, जीरो का हमने रेफरेंस माना, 1 प्लस अल्फा टी लिख देता हूँ इन दिस केस, ठीक है. सिमिलरली R2 डैश का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज R2 डैश, दैट इज R2 ब्रैकेट, R2 हो गया उसका इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, इट इज 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर तो ये माइनस बीटा दिया हुआ है ना, माइनस बीटा दिया हुआ, तो ये माइनस बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज माइनस बीटा इंटू टी लिखते हैं, चलेगा? इज दैट क्लियर? ओके फाइन, तो इस एक्सप्रेशन को हम अभी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमने R1 दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने एक R2 रखा, ठीक है ना, एंड यहाँ से अगर मैं टी कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन दिस केस टी कॉमन लेने के साथ साथ इस अल्फा इंटू R1 माइनस बीटा इंटू R2, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा. इज दैट क्लियर? ओके, इसको मैं अगर 1 यू नो आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो कैसे एक्सप्रेस करूँगा, ध्यान से देखो, हम इस R1 प्लस R2 को ग्रुप मान के इसको कॉमन ले लेंगे, तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दिस इज R1 प्लस R2, ठीक है ना, ब्रैकेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस, यहाँ पर क्या है, लेट अस से दैट इज अल्फा इंटू R1 माइनस बीटा इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और यहाँ पर एक टी बच गया, ठीक है ना. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? श्योर? ओके, तुमको दिखा ना ये किस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, दिस इज व्हाट बेसिकली R0 1 प्लस अल्फा, दैट इज इन दिस केस टी, बिकॉज हमने रेफरेंस टेम्परेचर को जीरो मार कर रखा है. तो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो गया टी, ठीक है ना. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है कि R1 बाई R2 का रेशियो कितना होना पड़ेगा ताकि R इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, ताकि R इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो. ध्यान से देखो तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर ये है ना R इक्विवेलेंट डैश का एक्सप्रेशन, यही तो है R इक्विवेलेंट डैश का एक्सप्रेशन, इसको टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना, अभी ये है टेम्परेचर, करेक्ट, अगर इस एक्सप्रेशन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ना तो क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशन होना पड़ेगा, ये दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बदले इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ना बदले, इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि टी का जो कोफिशियंट है, ये दिख रहा है ना, दैट इज अल्फा इक्विवेलेंट इन दिस केस, ये जो है टी का जो ये वाला कोफिशियंट है, इस वाले कोफिशियंट को जीरो होना पड़ेगा. अगर कोफिशियंट ही जीरो है तो टी इंटू ये क्वांटिटी जीरो, तो क्या हो जाएगा, टी ही गायब हो जाएगा इक्वेशन से. अगर टी के ऊपर डिपेंडेंसी ही शो ना करे, वट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर, आर इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू चेंज नहीं होगा. इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो कोफिशियंट है उसको हम जीरो कर दें. तो टेम्परेचर का जो कोफिशियंट है उसको जीरो करके देखते क्या आएगा, ये कोफिशियंट है अल्फा R1 माइनस बीटा R2, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, that is R1 plus R2, that is equal to what? Zero. ठीक है, तो यहाँ से हमको R1 by R2 का क्या वैल्यू मिलता है, ये देखते हैं, R1 by R2 in this case कितना आएगा, this is beta by alpha. दिख रहा है सबको, R1 by R2 in this case is beta by alpha, so beta by alpha is the correct option in this case. It's very very simple. Temperature का effect नहीं होना, तो temperature का जो partner है, जो coefficient है, उसको हमको zero कर देना है. ठीक है, समझ में आया? ओके फाइन, सो यहाँ पर ही हम अपना ये डिस्कशन कंप्लीट करते हैं. इट वाज ऑल अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर. आई होप यू एंजॉयड इट. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कमेंट. आज के लिए इतना ही, लेट्स मीट सून, टेक केयर.